मुख्य संसदीय सचिव राजकुमार ने आज दून विधानसभा क्षेत्र के धकड़ू माजरा में 1,14,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाली पेयजल योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि इस पेयजल योजना के निर्माण से लगभग 5,000 से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव 2022 में दी गई सभी गारंटियों को राज्य सरकार चरणबद्ध पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 1,00,000 युवाओं को रोजगार देने के लिए भी वचनबद्ध है और इसका कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाएगा। इस मौके पर राजकुमार ने धकड़ू माजरा के लोगों की समस्या भी सुनी और सहानुभूति भी प्रकट की और उन्हें जल्द पूरा करने का आश्वासन भी दिया। पार्टी का जो हमेशा से रहा है काम करने का, लोगों को लोगों के लिए काम करना है और सच्ची आस्था से काम करना है। तो अभी हमने दूसरा ट्यूबवेल आज हमने शुरू किया। इसकी लागत जो है 1,20,00,000 रुपये इसकी लागत है और इसमें दखड़ू माजरा और बिलावली गांव कवर होंगे। दो बड़े टैंक्स जो हैं अपना ओवरहेड टैंक्स बनेंगे। इसमें पानी की यहाँ किल्लत हो गई थी काफ़ी, क्योंकि लोकल लोगों के साथ साथ किराएदार भी बहुत है, इंडस्ट्री एरिया है, इसलिए यहाँ पानी की ट्यूबवेल की जरूरत थी। और गौशाला भी है, बड़ा पुनीत कार्य हुआ है और लोगों ने यहाँ एक रास्ते की समस्या बताई जिस पे मैंने भी डिपार्टमेंट रेवेन्यू को जो है डायरेक्शन दी है कि उस पे वो उसका निशानदेही करके अगर वो गवर्नमेंट लैंड है तो उसमें रास्ता जो है हम शीघ्र बनाएंगे। और TCP को डायरेक्शन दी गई है कि जो अमरावती कॉलोनी का पानी अवैध रूप से वहाँ जो हमारे नगर परिषद की लाइन है उसमें आ रहा है तो उसको वो नोटिस करेंगे, ताकि क्योंकि वो बिना ट्रीट किए पानी भेज रहे हैं और उनकी अलग लाइन जो है वो नहीं है, कोई भी अपनी अलग लाइन डालेंगे। कॉलोनी एक्ट में है कि अपना सारा प्रबंध जो है कॉलोनाइजर को करना होता है, वो बिना प्रबंध किए उन्होंने जो है वो नगर परिषद वृद्धि की जो हमारी सीवरेज व्यवस्था है उसको खराब किया हुआ है। उसके उसमें भी उन्होंने अधिकारियों को जो है वो कहा है। अभी मैंने देखा गौशाला में किसी प्राइवेट आदमी ने दीवार तोड़ के जो है अपना रास्ता निकाल लिया, तो उसको भी हमने कहा कि गौशाला की व्यवस्था बनी रहे तो पीछे से रास्ता नहीं होना चाहिए, वो भी ये ठीक करेंगे। और लाइट्स के लिए इन्होंने जो मुझे कहा है तो लाइट्स व्यवस्था के लिए पूरे एरिया के लिए बड़ी DPR जो है हम बना रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट्स बद्दी ब्रूटीवाला रोड हमारा साई रोड इंडस्ट्री एरिया के, तो उनमें सबसे जो है लाइट व्यवस्था हम लोग 32 वाट की बैटरी बिल्ड बैटरी का DPR के हमने निर्देश दिए हैं, उसको हम शीघ्र करेंगे। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे दो बड़ी स्कीमों के बारे में कहा था जिसमें पहाड़ी एरिया के लिए जितनी भी नदियां हैं उनको रोक के डैम लगा के हम लोग सिंचाई सुविधाएं जो है देने के लिए अभी से हमारा काम शुरू है। और रोपड़ नहर से अगर हमारा हिमाचल का शेर बचता होगा तो रोपड़ नहर से भी इस एरिया में जो एरिया बचा हो जहाँ पानी नहीं निकलता ट्यूबवेल से, उस एरिया को सिंचाई के लिए जो है वहाँ से पानी सिंचाई और पीने के लिए उस पानी को हम लोग जो है उपयोग में लाएंगे।